एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है 10 से लेकर 20 तारीख तक, क्योंकि आगामी अगले माह हमारा रेल बजट आने वाला है। और उसी संबंध में हम लोग सरकार के समक्ष लगातार 8 वर्षों से अपनी मांग को रखते चले आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके एवज में हम लोगों ने प्रधानमंत्री को अपनी मन की बात लेकर पोस्ट कार्ड के माध्यम से कराया, हम लोगों ने रेल रोको आंदोलन किया, 16 जून को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, प्लस अभी जो संसद सत्र चल रहा था उसमें भारत 545 को एक साथ डिमांडेशन से अवगत कराया गया कि आप हमारी बात वहां तक रखें सरकार के समक्ष, और हमारा जो बजट आ रहा है उसमें हमारी डिमांड को पूरा किया जाए, क्योंकि आधुनिकरण के कारण आज एक्सीटर लिफ्ट ट्राली बैंड फुट ब्रिज और आधुनिक सुविधाओं के कारण पुलियों का काम खत्म हो चुका है, जिससे पुलिस भुखमरी कगार पे आ चुके हैं। आज रेल प्रशासन के पास हजारों लाखों पद खाली पड़े हुए हैं और उससे वो प्रक्रिया नहीं पूरी कर रही है। और आज हम लोग न कि कोई DRM या GM या कोई उच्च अधिकारी पद की हम लोग डिमांडेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मेहनतकश इंसान हैं और उस मेहनतकश के इंसान के माध्यम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का पद हम लोग मानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को हम देने के पद। आज हम लोगों ने हमारी जो मांग थे हमारे सीएम साहब को, DRM साहब और GM साहब तीनों को अवगत कराया है, क्योंकि जो लाल बत्ती पूरी यूनिट है राष्ट्रीय सचिव, तो उसी के माध्यम से हमारे 16 जून में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी के तहत ये आज कटनी स्टेशन WCR में खान पत्र दिया गया है कि आप समकक्ष DRM और रेल मंत्रालय तक इसको फॉरवर्ड किया जाए, जिससे कि हमें ग्रुप डी का दर्जा मिल सके। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो जैसा कि मोदी जी ने बोला है कि सबका साथ सबका विकास, तो साथ तो नहीं है ना विकास है, तो इस सरकार को शायद हमारे कुली भाइयों का जो गुस्सा है वो झेलना पड़ेगा, और आने वाले समय में इस सरकार का हम लोग को जो विरोध करेंगे, और इसका नतीजा सरकार देख चुकी है छत्तीसगढ़ MP और राजस्थान 3 राज्यों में, और आने वाले जो चुनाव हैं अगर हमारे कुली भाइयों को ग्रुप डी का दर्जा नहीं दिया जाता तो BJP सरकार को इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जिले या एक राज्य की बात नहीं है, हमारे कुली भाई भारत के 16 जोन और 7 डिवीजन जो कि भारतवर्ष के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश के गुजरात तक के आते हैं, और हम लोग अब भुखमरी कगार पे आ गए हैं। तो कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, ये हम आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप जागे और हम कुली भाइयों के ऊपर ध्यान दें और हमें कुली का दर्जा दें। मैं राकेश यादव, लाल वर्दी कुली यूनियन राष्ट्रीय सचिव।